उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उन पर कांग्रेस ने पहले से ही प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए थे, जिसके बाद अब कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में आ गई है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन सीटों पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। कांग्रेस बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में सपा से 5 सीटें मांगी हैं, लेकिन सपा 2 ही सीटें देने पर विचार कर रही है। प्रदेश कमेटी का कहना है कि जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से मिर्जापुर की मंझवा सीट, फूलपुर, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटों पर सपा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। इस सीटों पर समाजवादी पार्टी कमजोर है, इसलिए यहां से कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने भले ही सपा के सामने 5 सीटों की डिमांड रखी है, लेकिन सूत्रों की माने तो सपा कांग्रेस को उपचुनाव में एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस ने जिस तरह सपा से गठबंधन किया, पार्टी उसका बदला यूपी में ले सकती है। कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है। ऐसे में कांग्रेस अभी से सभी सीटों पर अपनी तैयारी में जुट गई है। उपचुनाव वाली सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त करने के बाद कांग्रेस ने यहां सम्मेलन शुरू कर दिए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए साथ ही साथ पार्टी उन जिताऊ और मजबूत चेहरों की तलाश में भी जुट गई है जिन्हें उपचुनाव में उतारा जा सके। सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरह यूपी उपचुनाव को लेकर अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग तैयारियों में जुटी हुई है, उससे माना जा रहा है कि उपचुनाव में दोनों एक दूसरे के सामने भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन पर संशय बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन टूटता है तो फिर सब वाकिफ हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और चिराग पासवान ने जिस तरह उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में अपनी रणनीति सेट की है, उसका बड़ा नुकसान इंडी गठबंधन को भी होगा, क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम और दलित वर्ग चंद्रशेखर रावण पर भी भरोसा जता रहा है। उधर चिराग पासवान भी एक बड़ा पासी वोट बैंक अपने पाले में कर सकते हैं, जिसका सीधे तौर पर नुकसान इंडी गठबंधन की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ही होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है उपचुनाव में और आगामी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यूपी के दो लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ रह पाएंगे या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश का यूं ही रुख करते रहें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल अपने विपक्षियों को तमाम तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप में गिरफ्तार कराने का काम कर रहे हैं। भाजपा के जो साथ है वो दूध का दूल्हा है। अभी आप देख सकते हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि के अंदर काम करने वाली बिटिया के साथ रेप करते हैं, भाजपा के नेता का बेटा शामिल है, कुछ नहीं हुआ उसमें, न उसका घर गिराया गया, ना कोई कार्रवाई हुई। बनारस में 3-3 भाजपा के नेताओं ने IT की बिटिया के साथ रेप किया, 2 छूट गए, उसको फूल माला से उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको हार पहना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है और अपने विरोधियों को कुचलने का, दबाने का काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी लगातार जनता के बीच में हैं। आम आदमी, साधारण आदमी, गरीब आदमी, दबाया हुआ इंसान, महिला, अनुसूचित जात के लोग, सब लोग हमारे नेता राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। मायावती जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठी हुई हैं और उनके प्रवक्ता के तौर पर अपना बयान दे रही हैं कि भाजपा की वो बहुत ही प्रमुख प्रवक्ता हैं, इसलिए अपनी बात बोल रही हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उसको निश्चित तौर से कठोर सजा देनी चाहिए। उपचुनाव की तैयारी हमारी ज़बरदस्त है। 29 तारीख से हम फूलपुर से शुरू करने जा रहे हैं, संविधान सम्मेलन करने जा रहे हैं। 29 को प्रयागराज में फूलपुर में होगा, 30 को मिर्जापुर मझवा में होगा और आगे ये क्रम लगातार 5-6-10 दिन तक चलेगा और हम 10 विधानसभा में ये संविधान सम्मेलन करने जा रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे।